हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग स्टेबिलिटी का टॉपिक को लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। स्टेबिलिटी में मैंने दो एग्जांपल लिए थे और उस एग्जांपल्स को हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज स्टेबल एंड विच टाइप ऑफ सिस्टम इज अनस्टेबल। उसमें हमने एग्जाम्पल उसका आउटपुट इक्वेशन को टाइम डोमेन में निकाला था, उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली यानी एक्सपोनेंशियल और ऑसिलेटरी फंक्शंस की टर्म्स में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। और मैंने आपको ये क्लियरली कहा था कि कैसे क्वेश्चंस को देखकर, कैसे आउटपुट इक्वेशंस को देखकर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आज हम उस स्टेबिलिटी से यानी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हम कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं अपना परिचय फिर दे दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कंट्रोल सिस्टम का फिर ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं प्रकाश सुंदरम आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, उसमें दो तीन विषयों के, दो तीन सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी फॉर सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक एंड सेकंड ईयर इंजीनियरिंग और बीटेक, एंड फॉर थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक एंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग दैट इज द कंट्रोल सिस्टम। उसमें हम दो सब्जेक्ट्स के वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक के लिए मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए भी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के मैंने जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आप सब लोगों के साथ साथ बच्चों की डिमांड पर इस बार मैंने जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हुए उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सारे पेपर को मैंने सोल्व करके उनके वीडियोस भी अपलोड किए, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों के इसी रिस्पॉन्स को देख कर मोटिवेट होकर मैं आगे इसी प्रेरणा के साथ अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसी तरह से आप लोग हमें सहयोग दीजिएगा, हम आपको आपके डाउट पे वीडियो लेक्चर्स हमेशा अपलोड करते रहेंगे और आपके हर डाउट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हम आपके डाउट को दूर कर देंगे। इसके साथ साथ आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कोई भी अगर जॉब अलर्ट के नाम से आप मेरे वीडियो चैनल पे देखेंगे कि वहाँ पर जब भी कोई अच्छी जॉब निकलती है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए हो, या ITI स्टूडेंट्स के लिए, या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो समय समय पर अपलोड कर रहा हूँ। इस बार लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी अच्छी वांट्स भी निकली है, बहुत अच्छे, जैसे मिलिट्री है, ONGC है, ISRO है, इन सब ने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइज की है। तो आप लोग सब ने, जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे उसमें आपने ये वीडियोस को देखकर फॉर्म फिलअप किया होगा, और बहुत बच्चों के रिस्पॉन्स और कुछ डाउट थे उसको भी मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। अब कुछ ही समय में, कुछ ही आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बीटेक वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट से उसके भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और कई बार से देख रहे हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, तो बेल आइकन जरूर यूज़ कर लें फॉर करेक्ट टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ लाइक कीजिए। और नए नए स्टूडेंट्स, इस बार आपने जो पॉलिटेक्निक के पेपर को मैंने सोल्व करके वीडियो डाला उसमें आप काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, लाइक किया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसके साथ अब हम चलते हैं हमारे उस टॉपिक पे जिसको मैंने बीच में शुरू में लिया था, और वो है स्टेबिलिटी का। तो चलते हैं हम स्टेबिलिटी के डिफरेंट टर्म्स को समझने में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अगेन वही, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। इसमें कितने तरह की हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबल सिस्टम, सेकंड हम पढ़ेंगे अनस्टेबल सिस्टम, थर्ड हम पढ़ेंगे क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल,
एंड फोर्थ पढ़ेंगे कंडीशनली स्टेबल सिस्टम और फिफ्थ पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी। मीन्स स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये कुछ पांच टर्म्स हैं जिन्हें हमें बहुत सीरियसली समझना है अगर हम बीटेक पॉलिटेक्निक या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। पिछले वाले वीडियो में आप देखिए मैंने दो एग्जाम्पल से स्टेबल और अनस्टेबल को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, या आज हम उनकी डेफिनेशंस लिखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर्स में ये डेफिनेशन पांचों के पांचों एक साथ या डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ए स्टेबल सिस्टम। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे कि जो पॉसिबल है कि आपके लिए नए शब्द हो, मैं उसको वहीं पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल सिस्टम? ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। ठीक, ये कह रहा है कि एक सिस्टम है जो लीनियर यानी रेखीय है, और टाइम इनवेरिएंट मीन्स इनपुट और आउटपुट का रिलेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। कंट्रोल सिस्टम की दो मेन प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, और वो है कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो लीनियर नेचर का होना चाहिए और कंट्रोल सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए। सो ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। कब होंगे स्टेबल? दो कंडीशंस हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन सिस्टम इज एक्साइटेड बाय बाउंडेड इनपुट देन आउटपुट आल्सो बाउंडेड होना चाहिए एंड कंट्रोलेबल भी होना चाहिए। अब दो नए शब्द आ गए, बाउंडेड हैं। इसका मतलब एक एग्जांपल से देखिए, हम फैन और बल्ब को ऑन करने के लिए कहते हैं कि 170 वोल्ट से 250 वोल्ट तक अगर हम रेंज में रखते हैं तो ये फैन और बल्ब वर्क करेंगे। ये हमारा बाउंडेड इनपुट है, यानी एक लिमिट में वैल्यूज है। इससे कम, 170 से कम और 250 से ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो बाउंडेड इनपुट मीन्स जो उसके लिए सूटेबल रेंज है, अगर हम किसी कंट्रोल सिस्टम को उस बाउंडेड इनपुट से एक्साइटेड करते हैं यानी कि ऑपरेट करते हैं तो उसका आउटपुट भी कंफर्मली बाउंडेड यानी कि रेंज में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फैन की जो स्पीड है वो 750 760 के आसपास है, तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा रेंज में अगर होगा तो हमारे लिए अप्रोचेबल है ये कले। क्लियर। तो बाउंडेड इनपुट देने पर बाउंडेड आउटपुट मिलना चाहिए और सिस्टम कंट्रोलर भी कंट्रोलेबल भी होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। सेकंड कंडीशन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट मस्ट टेंड्स टू जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन। देखो इनिशियल कंडीशन भी एक आपके लिए भी नया शब्द हो सकता है, लेकिन सेकंड ईयर में आपने सर्किट में पढ़ा होगा। इनिशियल मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल में तीन पैरामीटर्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इसमें से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करते हैं। इनिशियल कंडीशन मीन्स किसी भी इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में यूज करने से पहले अगर इनिशियली चार्ज्ड हैं तो उसको हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन वैल्यूज। ये कह रहा है अब कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, अगर हम उस कंट्रोल सिस्टम से इनपुट को हटा दें तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन, भले ही हमने उसको पहले से चार्ज कंडीशन में रखा है। तो स्टेबल को हम थोड़ा समझ लें ढंग से। देखिए ये कह रहा है कि अगर हम किसी कंट्रोल सिस्टम को बाउंडेड इनपुट से एक्साइट करें तो आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए और कंट्रोलेबल भी होना चाहिए। तो ये बाउंडेड आउटपुट, आउटपुट बाउंडेड और कंट्रोलेबल होना चाहिए। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट मस्ट टेंड्स टू जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंडीशन। अगर इनपुट हमारा जीरो है कर दिया जाए तो आउटपुट भी जीरो हो जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन। तो ये स्टेबल की दो कंडीशंस है जिसको अगर कोई कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फाई कर ले तो वो सिस्टम स्टेबल होगा।
इससे पहले की वीडियोस में मैंने दो एग्जांपल लिए थे, यहाँ मैं उसको ग्राफिकली फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से इस टेबल में हम डायग्राम शो करेंगे। मैंने उस वीडियोस में ये भी कहा था कि सिस्टम, उससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में, कि सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों पे फंक्शन करता है। फर्स्ट ऑर्डर में प्रैक्टिकली ध्यान से सुनिए, आरएल सीरीज और आरसी सीरीज होते हैं, आरएल सीरीज और आरसी सीरीज होते हैं, क्लियर। ये था सेकंड ऑर्डर में आरएलसी सीरीज या पैरेलल कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो टाइम रिस्पॉन्स है वो दो नेचर पर वर्क करता है, आइदर एक्सपोनेंशियल और आइदर और ऑसिलेटरी फंक्शंस। तो मैं यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे तो उन दोनों का डायग्राम बनाएंगे। तो दूसरा देखिए, अब डेफिनेशंस ऑफ अनस्टेबल सिस्टम, जस्ट इसका रिवर्स है। ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल। अगर कोई लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है आपका, अनस्टेबल है इफ फॉर बाउंडेड इनपुट इट प्रोड्यूस अनबाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट अगर उसको दिया जाए तो सिस्टम में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो कि आउटपुट को अनबाउंडेड कर रहा है और अनकंट्रोलेबल डेवलप कर रहा है। दूसरा, अगर इनपुट को हटा दिया जाए, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट मस्ट नॉट रिटर्न टू ज़ीरो। मैंने कहा था कि उसमें रिटर्न जीरो हो जाना चाहिए, पर इसमें नॉट रिटर्न टू ज़ीरो, इट शो सर्टन आउटपुट विदाउट इनपुट। अगर इसमें इनपुट नहीं दिया है तो भी कुछ आउटपुट शो करेगा। ये हमारा दो कंडीशन से अनस्टेबल की डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों हमारा स्टेबल सिस्टम का रहेगा, ओके। तो ये आपका टाइम होता है यहां पर, आपको मालूम है, और यहां पर क्या होता है आउटपुट सी ऑफ टी, यहां पर होता है आउटपुट सी ऑफ टी। इसका ग्राफ हम जो बनाएंगे, देखिए अगर हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल नेचर का है, एक्सपोनेंशियल नेचर है, जिसको हम लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए है। सेकंड, ये हमारा ओसिलेटरी नेचर का है, कौन सा नेचर है, ओसिलेटरी नेचर का है, जो सेकंड ऑर्डर के लिए है, ओसिलेटरी नेचर, और मैं यहां लिख देता हूं सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये जो कंप्लीट हमने दिया है, ये कंप्लीट, ये आपका डायग्राम फॉर स्टेबल सिस्टम है। ध्यान से देखेंगे अभी, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। जैसे ही हम इनपुट से एक्साइट करते हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल और ये ऑसिलेटरी फंक्शन हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर के लिए, जो इसमें इनपुट है उस इनपुट के बिल्कुल पास में जब ये पहुंच जाता है स्टेडी स्टेट में, तो ये आपका हो जाता है स्टेबल सिस्टम। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो ये कंप्लीट जो है वो हमारा स्टेबल सिस्टम के लिए। अब हम उसी को समझेंगे अनस्टेबल सिस्टम के लिए। तो अनस्टेबल सिस्टम में ये दो ग्राफ बनेंगे, अगेन सेम, ये टाइम टी और ये आपका आउटपुट सी टी, और ये है आपका आउटपुट सी टी। ये देखिए, ये हमारा इनपुट है और इनपुट के आधार पर मैं ग्रीन कलर के पेन से बना रहा हूँ। ये है आपका ऐसे, इसमें आप देखोगे कि जो हमारा आउटपुट है, ये देखिए, ये हमारा इनपुट और ये हमारा आउटपुट। आउटपुट ने इनपुट को क्रॉस करके अनबाउंडेड की तरफ चला गया है, इसलिए सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो गया है। और इसमें आप देखिए हमारा एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ रहा है और वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। ये आपका आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। तो ये दोनों अगेन कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल नेचर का है और ये आपका ऑसिलेटरी नेचर का है। और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आपका सेकंड ऑर्डर के लिए देखेंगे। और इसके साथ साथ ये कंप्लीट जो है
वो हमारा अनस्टेबल सिस्टम के लिए होगा, अनस्टेबल सिस्टम के लिए होगा। तो इस तरह से इस दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये कंट्रोलेबल है, ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। इन दोनों में से, इसमें से अगर हम इनपुट को हटाएंगे तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, हम इसमें इनपुट को हटाएंगे तो आउटपुट जीरो नहीं होगा। तो अभी मुझे ऐसा मानना है कि आपको स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड, क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल की। व्हाट इज द डेफिनेशन? अगेन सेम लैंग्वेज पैटर्न पे, ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सेड टू बी क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल, क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल इफ फॉर ए बाउंडेड इनपुट इट्स आउटपुट ऑसिलेट्स विथ कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ओके, तो अगर हम उसमें बाउंडेड इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट ऑसिलेट करता ही रहेगा। इसमें हम देख रहे थे एक्सपोनेंशियल में स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ऑसिलेटरी में भी ऑसिलेशन धीरे धीरे डैम्पिंग के थ्रू कम होते हुए स्टडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाता है। बट इन क्रिटिकली और मार्जिनल स्टेबिलिटी में आउटपुट स्टेबल नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है, उसमें एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएंगे, वो कभी भी स्टेबल सिस्टम में नॉर्मली नहीं रहेगा, मार्जिनल स्टेबल में रहेगा। देन सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन, इस तरह का जो आउटपुट का ऑसिलेशन है इनको हम अनडैम्ड ऑसिलेशन और सस्टेंड ऑसिलेशन कहते हैं। पहले वाले चैप्टर यानी ट्रांजिएंट में आपने देखा था डैम्पिंग फैक्टर जेठा का फंक्शन, वो ऑसिलेशन फंक्शन को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, पर यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर नहीं है इसलिए इसका नाम है अनडैम्ड ऑसिलेशंस, और सस्टेन्ड मींस कंटिन्यू मेंटेन करने वाले ऑसिलेशंस कहते हैं। डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम आपका बहुत सिंपल रहेगा। ये देखिए, ये हमारा टाइम है और ये आपका आउटपुट है, ये कंटिन्यूसली हमारा इनपुट है। ये कौन सा है? ये हमारा इनपुट है आपका, तो आउटपुट कैसा होगा? ऑसिलेशन करता रहेगा। ये देखिए, अब ये इसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मेंटेन होता रहेगा, एक जैसा चलता रहेगा। और फिर हम इसको यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो ये आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता रहेगा, सो दैट इट कैन बी नोन एज ए मार्जिनल और क्रिटिकल स्टेबल है। अब इसका जो रूट्स बनते हैं सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का, वो कहाँ बनाएंगे? मैंने आपको पहले वाले में कहा था एक लेफ्ट में बनता है स्टेबल के लिए और अनस्टेबल के लिए राइट में बनता है, तो यहाँ कहाँ बनेगा? ये मार्जिनल आपका पॉइंट है, कौन सा? इमेजिनरी एक्सिस। देखो ध्यान से, आपको पता है ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है, ये इमेजिनरी प्लस एक्सिस, ये माइनस इमेजिनरी एक्सिस है। इस पर अगर हम ध्यान से देखें, जो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है ऐसे, अगर कुछ रूट्स में से, कुछ पोल्स में से अगर इमेजिनरी एक्सिस पर आते हैं जो नॉन रिपीटेड है, अलग अलग जगह पर बन रहे हैं तो नॉन रिपीटेड है, अगर ऐसा भी है तो भी ये नॉन रिपीटेड है, तो इस कंडीशंस में हमारे कुछ पोल्स या रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटेड फॉर्म में होंगे। तो मैं यहां पर आपको लिखता हूं नॉन रिपीटेड रूट्स और पोल्स ऑब्लिक रूट्स, तो ये कहाँ हो गए? इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगे, तो ये हमारा मार्जिनल या क्रिटिकल स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? तो अभी हमने थर्ड केस को कंप्लीट कर लिया, क्रिटिकली और मार्जिनल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। इफ
ये क्या था, नॉन रिपीटेड इफ सम रिपीटेड रूट्स, सम रिपीटेड रूट्स लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस देन सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। आप ये कह रहा है कि जो यहां पर नॉन रिपीटेड है, अगर यहां पर रिपीटेड हो जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, मैं बना के बताता हूं, देखो। ठीक है, यहां पर ये आपका एक रूट से और यहीं पे और यहीं पर एक और रूट से, देखो। तो यहां पर ये रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर नॉन रिपीटेड है तो मार्जिनल स्टेबल है, और अगर रिपीटेड है तो अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज द स्पेशल केस। ओके, तो हमारा एक क्रिटिकल और मार्जिनल स्टेबिलिटी हो गया। अब इन तीन के बेस पर मैं एक ग्राफ आपको बना के बता देता हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें डायग्राम को देखकर, ग्राफ को देखकर, कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल। ओके, देखिए यहां पर यह हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, इसको हम थोड़ा सा विड्थ बना लेते हैं और ये आपका कौन सा हो गया, रियल एक्सिस है, और रियल एक्सिस से तो हम इसकी बाउंड्री भी पुट कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ये मान लीजिए इन्फाइनाइट है माइनस का, ये आपका प्लस इन्फाइनाइट है, ये आपका प्लस इन्फाइनाइट है और ये माइनस इन्फाइनाइट है। अगर हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम के डिनोमिनेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स को हम क्लोज लूप पोल्स बोलते हैं, अगर हम उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर ये हमारा लेफ्ट हाफ में है, पहले भी बता चुका हूँ, तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर कुछ रूट्स, एक भी या एक से ज्यादा या कुछ रूट्स अगर राइट हाफ में आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो यहां पर हम ऐसे ग्रीन कलर से शेड करते हैं। ये, और यहाँ पर हम ब्लू कलर से शेड कर देते हैं। ये हमारा राइट हाफ है, इस राइट हाफ में कोई भी पोल्स या रूट्स लाई करेंगे तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, ये है आपका लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, एस आपको मालूम है जे ओमेगा से आता है, और ये आपका कौन सा है, राइट हाफ है, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन स्टूडेंट्स। ये हो गया, यहां पर आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा, और ये आपका कंप्लीटली अनस्टेबल होगा, कुछ भी रूट्स यहां आ जाएंगे तो। और यहां देखिए, अगर यहां पर क्या आता है, नॉन रिपीटेड रूट्स अगर आ जाते हैं, नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहीं पर इसी वाले एक्सिस पर रिपीटेड रूट्स हों तो सिस्टम आपका अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो क्लियर आपका हो गया, इस ग्राफ से लेफ्ट हाफ स्टेबल, राइट हाफ अनस्टेबल, एंड इमेजिनरी पे नॉन रिपीटेड, मार्जिनल स्टेबल, और अगर रिपीटेड रूट्स हो तो अनस्टेबल होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफिकली और एक्सप्लेन कर दिया है। ओके,
अब हमारे पास ये कंडीशनली और रिलेटिव स्टेबिलिटी है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम और रिलेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम पे चलेंगे। इस वीडियो में मैंने इस तीन पॉइंट को कवर कर लिया है। इस वीडियो के लिए तीन पॉइंट सफिशिएंट है। हम अगले वीडियो में इस दो पॉइंट को, रिलेटिव स्टेबिलिटी और कंडीशनली स्टेबिलिटी को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ पर भी डाउट हो मेरे यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।